देखिए नेम्ड रिएक्शन में हम अब आपको तीन रिएक्शन नेम्ड बताने जा रहे हैं सिमेट्री से। तो पहला रिएक्शन लिख लो वुड्स रिएक्शन, सिमेट्री से पढ़ेंगे। दूसरा रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन और तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो कभी भी पढ़ना हो तो इन तीनों को एक साथ पढ़ो, है ना, तीनों में सिमेट्री है। कैसे? वुड्स रिएक्शन देते हैं केवल एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड्स। फिटिक देते हैं केवल एरोमेटिक, और ये जो तीसरा है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड लिया मैंने और इसके जैसे दो मॉलिक्यूल ले लिए और सोडियम मेटल का रिएक्शन करवा दिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। क्या होता है, 2NaX बाहर निकल गया, बचा क्या, RR, एल्केन बन गई। फिर समझिए ये एल्किल हैलाइड है, मान लो आपने दो कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लिया और आपने इसका रिएक्शन करवा दिया। यहां पर इसकी मिरर इमेज रख लेनी है आपको, इसकी मिरर इमेज, क्योंकि वुड्स रिएक्शन यूजफुल तब होता है ये दोनों सेम हो। अगर ये अलग अलग हो गए तो आपके पास एक नहीं तीन प्रोडक्ट बनेंगे। आप कहेंगे कैसे, अभी बताता हूं आपको। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं तीनों में से वुड्स रिएक्शन की। तो देखिए क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, 2NaBr बाहर निकल गया, तो बताइए C4H10 बन गया, ब्यूटेन बन गई, नहीं बन गई, जो घरों में LPG में यूज होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में भरी रहती है, यही होती है N-ब्यूटेन। तो बेटे अगर मान लो तो ये यूजफुल तब है जब ये दोनों सेम हो, है ना, लिख लो इट इज यूजफुल फॉर सिमिलर एल्काइल हैलाइड। अगर दोनों डिफरेंट हो जाएं तो क्या करेंगे आप, तो देखिए अगर आपने मान लीजिए इन दोनों को डिफरेंट ले लिया, सेम नहीं लिया, ये देखिए ये दोनों डिफरेंट, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। कैसे, देखिए 2NaBr बाहर निकल गया तो ये हो गए तीन कार्बन, दो और एक, तो बन गई प्रोपेन। तो मेजर तो यही बनेगी लेकिन इसके संग संग दो चीज और बनेंगी, नोट करके लिख लो क्या बनेंगी। अगर मैं इसका वुड्स रिएक्शन इसी पे करा देता, ये देखो कराया इसी पे, तो डबल हो गया, तो एक तो इसमें ये बनेगी ब्यूटेन, और इसका इसी पे करा देता वुड्स तो इसका डबल हो जाता। ये भी थोड़ी थोड़ी बनती हैं, आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो अब आप बताओ अगर कोई चीज एक आदमी को दे दी जाए, घर में 100 रुपए पिताजी एक बच्चे को दे दें, तो बताओ उसको फायदा ज्यादा होगा या वही 100 रुपए तीन लोगों में बढ़ जाए, तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, लोगों को कम कम मिलेगा। तो अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, इसकी मेजर क्वांटिटी होती है, लेकिन अगर दोनों डिसिमिलर हैं तो इसके संग संग ये दोनों भी बनेंगे, तो इसकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए यूजफुल तब होता है जब दोनों सिमिलर एल्किल हैलाइड्स होते हैं। लिख लें, हो रहा है क्लियर। अब मैं इसमें एक केस आपको और बताता हूं, देखिए ढंग से। मां कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए कि ये आपके पास एक कंपाउंड लिखा है, ये JEE में पूछा गया है, ये CL है और मान लो यहां BR है और आपने इसका रिएक्शन करवा दिया किस पर, सोडियम मेटल पे, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, यही तो पहचान है वुड्स की। तो आप बताओ कितने हैलोजन है, दो हैं, तो आप 2 Na ले लो,
अब इसके दो मॉलिक्यूल ही लेने पड़ेंगे, तो एक एने तो सीएल ले जाएगा, एक एने बीआर ले जाएगा, तो ये निकल गया एनएसीएल और एनएबीआर। तो सोचिए क्या बनेगा, बताइए। अगर यहां से ये हट जाए, यहां क्या था, कार्बन के संग दो बॉन्ड थे तो दो और लिखने पड़ेंगे, कार्बन की वैलेंसी चार है। यहां पर कार्बन के संग तीन बॉन्ड हैं तो ये लिखना पड़ेगा, ऐसे ही ये लिखना पड़ेगा। तो सोचिए, यहां पर CH2 है, यहां CH2 है, लेकिन यहां पर जब NaCl निकला और NaBr तो CHCH बचा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये लगा देंगे। आ रहा है समझ में? हाँ जी, क्लियर हो रहा है बेटे? वीडियो बनना धीरे बोल, ताजी ताजी कर रहा हूं। हो गया क्लियर? ये तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जेई में पूछा गया है बेटे, ये ध्यान रखना बात को। हो गया क्लियर? अब देखो आगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, वुड्स आपको बताएं। अब वुड्स के बाद मैं दूसरा रिएक्शन बताने जा रहा हूं जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन। ये केवल एरोमेटिक देती है, कैसे, देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है फिनाइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन, तो बिल्कुल वही तरीका है जो पहले करा है, सिमेट्री है, बस यहां एरोमेटिक आ गया है। तो इसका ही एक मॉलिक्यूल और ले लीजिएगा, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस, क्या होगा, 2NaCl बाहर, तो ये बन जाएगा डाई फिनाइल, ये बन गया डाई फिनाइल। ऐसे नहीं लेना है तो ऐसे ले लीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि दोनों का हेलोजन एटम आमने सामने होना चाहिए, मिरर इमेज, ऐसे लिखना है। और इसमें बी आर है तो इसमें भी बी आर ही लेना है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस, क्या होगा, 2NaBr बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे C6H5 लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, तो बनेगा वही, क्या नाम है, डाई फिनाइल, ये बन गया डाई फिनाइल। वैसे एक डाई फिनाइल एक रिएक्शन में और बनता है, वो ये अलग है, बता देता हूं बीच में। रिएक्शन का नाम है उलमेन रिएक्शन, उसमें भी यही होता है, लेकिन फर्क ये है उसमें आयोडाइड दिया जाता है, आयोडोबेंजीन, बिल्कुल सिमेट्री है, ढंग से देखिएगा। और फर्क क्या है वो समझ लो पहले, यहां जो आपने सोडियम मेटल लिया था उसकी जगह कॉपर आ जाता है, बस ये टू, यहां पर CuI2 बाहर निकल जाएगा, क्यूप्रिक आयोडाइड, और क्या बनेगा, डाई फिनाइल। तो कैसे भी कर लो आप, इसका नाम है उलमेन रिएक्शन, लेकिन इसमें आपको क्लोरोब्रोमो नहीं, केवल आयोडो ही लेना है और सोडियम की जगह कॉपर आ जाएगा। तो ये था फिटिग और ये है उलमेन। अब आपको वुड्स और फिटिग को मिलाकर वुड्स फिटिग रिएक्शन बता रहे हैं, देखिए लास्ट, इसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये वुड्स को और फिटिग को मिला के बनाया गया, बताइए वुड्स कौन देता है, एलिफेटिक, फिटिग कौन देता है, एरोमेटिक, एक एलिफेटिक हैलाइड ले लिया, एक एरोमेटिक, और बिल्कुल सेम है जो पहले किया है आपने, सोडियम के संग रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगी टॉलुइन। इसका नाम है टॉलुइन, मतलब एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, ये वुड्स ये फिटिक। एक देखना चाहो तो और देख लो आप, मान लो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवा दिया आपने किससे, इथाइल क्लोराइड से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल, सिमेट्री लगा दो, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, तो
तो बताओ इसके संग इथाइल जुड़ गया, क्या बन गई? इथाइल बेंजीन, ये बन गई इथाइल बेंजीन। तो ये वुड्स फिटिंग है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वुड्स एंड फिटिंग रिएक्शन। क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा।